Pakistan Press Club London celebrated 50th birthday of Shaheed Arshad Sharif in East London. PPC London paid heartfelt tributes pour in for late Arshad Sharif on his birth anniversary. उनकी सालगिरह मना रहे हैं, वो शहीद हैं, वो जिंदा हैं और हम उन्हें भूलने नहीं देंगे। पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन ने इसका एहतमाम किया, लेकिन हमारे दीगर जो दोस्त हैं मुख्तलिफ सहाफती तंजीमों के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका शुक्रिया। हम वादा करते हैं कि हम अरशद शरीफ को भूलने नहीं देंगे और उनके कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाने तक हम अपने अरशद शरीफ एक अच्छा पाकिस्तानी, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा साहबी था। मौला करीम, हमने जो पढ़ा उसके रूह के स्वाब के लिए या अल्लाह आपकी पेश करते हैं। मौला करीम उनको जन्नत अल फरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान्स जर्नलिस्ट कम्युनिटी इन लंदन आर प्रेजेंट अलोंग विद पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन इन ऑर्डर टू रिमेम्बरिंग अरशद शरीफ एंड पेइंग ट्रिब्यूट्स टू हिम। दे हैव आल्सो डिमांडेड जस्टिस। आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला, हम यहाँ पे अरशद शरीफ के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम पूछते हैं कि उनका कातिल कौन है। अब देखें, पाकिस्तान के अंदर वकला में से कोई एक वकील नहीं है जो उनका केस लड़ने को तैयार हो। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कातिल जो है वो कितने ताकतवर हैं और उनकी रसाई कहां तक है। और अभी जो जस्टिस रिटायर्ड हैं उन्होंने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, उन्होंने वो केस लिया है। हम उन्हें सलाम पेश करते हैं कि वो सामने आए खुद और उन्होंने रब्ता किया फैमिली से। और हम स्ट्रांगली कंडम करते हैं जिस तरह अरशद शरीफ साहब को जो है वो उनको मैं कहूँगा कि कत्ल किया गया, प्लान करके कत्ल किया गया। और ये हमारे जो पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं उनके ऊपर सवालिया निशान है कि उन्हें इस कत्ल को रायगा नहीं जाने देना चाहिए और इसको जो है वो इन्वेस्टिगेट करके तो जो इसके कसूरवार हैं उनको जरूर इंसाफ के किनारे में लाना चाहिए। और हमारे जो पावर प्लेयर्स जो इस गेम में शरीक रहे हैं उसके कत्ल में, हम यकीनन उनकी भी मजम्मत करते हैं। और हमारी जो अदलिया इस वक्त खामोश बैठी हुई है और बहानेबाजी से काम लिया जा रहा है, बराए मेहरबानी इस चीज को सीरियस लिया जाए और उसके कातिलों को तलाश किया जाए। और इनके साथ जो जुल्म हुआ है, जिन्होंने जुल्म किया है उसका उनके ऊपर उनको भी मालूम है, इस जिंदगी में उनको उनका बदला देना पड़ेगा और किसी न किसी तरीके अल्लाह सुब्हान व तआला उनको देंगे। और पाकिस्तान में ऐसे नाम बड़े कम हैं जिन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए इतना बड़ा नाम किया हो, तो उनको हमेशा याद रखना चाहिए। अरशद शरीफ जो थे वो एक साफी की आवाज़ थे, उसकी अरशद शरीफ की जिस तरह आवाज़ को दबाया गया है वो ना दीदा कूते ये ना समझे कि अरशद शरीफ को कत्ल करने के बाद वो खामोश हो जाएंगे। हमारा मकसद ये है कि हम ईमानदारी के साथ हर उस सहाफ़ी के लिए खड़े हो जाएं जो बेचारा मजलूम हो, जिसके साथ ज्यादती हो रहे, वो चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करता हो, किसी को स्टांस के साथ हो, लेकिन हमें उसका साथ देना होगा। और आज हम अरशद शरीफ साहब की उनकी याद के लिए और उनकी जो उन्होंने काम किया उसको खराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे और घर वालों को सब्र दे। और मैं फरीद कुरैशी साहब का ममनून हूँ जो सदर हैं आप पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन के। साथ सगीर भट्टी साहब बैठे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं ये। नवीद चौधरी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं। अफजल चौधरी साहब ये एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर भी हैं और साथ असर प्रदेश आला भी हैं। रजा सैयद साहब बैठे हैं, ये जो है वो गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं और साथ असर प्रदेश आला है। सफीना खान जो है ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। और ये हमारे भाई काबिल एहतराम गुलाम हुसैन अवान साहब अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, लेकिन ये आज यहाँ अरशद शरीफ की जो सालगिरह की तकरीब है उसमें मौजूद है। ये पहले भी खड़े होते थे तो आज भी खड़े हैं। तो बात ये है कि पाकिस्तान प्रेस क्लब को ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये है कि ये ना ही तो प्रोपोगंडा शेयर करेंगे और ना ये किसी सियासी पार्टी का ये माउथ पीस बनेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में हो या लंदन में हो, ये सहाफियों के लिए काम करेंगे।